हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल सोनीज यम फूड कोर्ट में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और क्रीमी मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपी। ये मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपी बहुत ही ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है और नो कुक रेसिपी है, और इसकी प्रिपरेशन में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो ये रेसिपी होप कि आप सबको भी पसंद आएगी। हमारे घर में तो सभी की ये फेवरेट है, और इसे बनाना मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि ये मिनटों में तैयारी इसकी हो जाती है। चलिए इस रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। दो मीडियम साइज़ के आम लिए हैं, इन्हें मैं अच्छी तरह से छील लूँगी। इस रेसिपी के लिए जो आम आप यूज़ करें वो बिल्कुल पके हुए हों। जितने पके हुए आम होंगे उतना ही इस आइसक्रीम का टेस्ट अच्छा आएगा। तो मैंने इन दोनों आमों को अच्छी तरह से छील लिया है। अब इन्हें मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। अब इन चॉप्ड मैंगो के पीसेस को मैं एक ब्लेंडर में ट्रांसफर कर दूंगी। और इसमें ऐड करूंगी अमूल फ्रेश क्रीम। इस पैकेट में 250 ml के करीब क्रीम होती है, तो मैंने सिर्फ हाफ ही पैकेट क्रीम इसमें यूज़ की है। आप इसकी जगह घर की फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मिल्क मेड, जिसे हम कंडेंस मिल्क भी बोलते हैं। ये मैंने 4 टेबलस्पून के करीब ही यूज़ किया है क्योंकि आम बहुत ही मीठे थे, तो आप मीठा थोड़ा अगर ज़्यादा खाते हैं तो मिल्क मेड थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैंने फुल फैट बॉइल्ड मिल्क यूज़ किया है 1/2 कप। लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे 2 सैशे एवरीडे मिल्क पाउडर के। 1 सैशे में अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबलस्पून के करीब मिल्क पाउडर होता है, तो मैंने यहाँ 2 सैशे यूज़ किए हैं। आप भी इसे ज़रूर ऐड करें, बिल्कुल स्किप ना करें। ये ऐड करने से कुल्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इसे हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड होने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना थिक और क्रीमी कुल्फ़ी का मिक्सचर रेडी हुआ है। अब इस मिक्सचर को हम मोल्ड्स में सेट होने के लिए रखेंगे। तो यहाँ मैंने टपरवेयर के 2 आइसक्रीम मोल्ड्स लिए हैं, इसमें मैं मिक्सचर को ऐड कर दूंगी। और इसके ऊपर से मैं इन्हें गार्निश करूंगी चॉप्ड मैंगो के पीसेस के साथ। तो यहाँ मैं 1/2 मैंगो का पीस जो है इसे मैं एकदम छोटे छोटे पीसेस में चॉप करूंगी, और फिर इसे ऐड करूंगी कुल्फ़ी के ऊपर। तो 1/2 मैंगो मैंने 1 कंटेनर में ऐड कर दिया है, और दूसरा 1/2 पीस मैं चॉप पीसेस का ऐड करूंगी दूसरे कंटेनर में। जितने मैंगो के पीसेस कुल्फ़ी खाते वक्त आपके मुंह में आएंगे उतनी ही टेस्टी लगेगी। फिर मैंने ऊपर से गार्निश किया है इन्हें पम्पकिन सीड्स के साथ। अब इन दोनों कंटेनर्स को अच्छी तरह से मैं बंद करके फ्रीज़र में सेट होने के लिए ओवरनाइट रख दूंगी। बाकी का बचा हुआ कुल्फ़ी का मिक्सचर मैं ऐड करूंगी एक स्टील के ग्लास में। मैंने फर्स्ट टाइम ही एक स्टील के ग्लास में कुल्फ़ी सेट की, और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया। आप भी ट्राई करके देखिएगा। इसे अब कवर कर दूंगी एक फॉइल पेपर से, और इसे भी ओवरनाइट फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दूंगी। दूसरे दिन कुल्फ़ी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी टेम्पटिंग लग रही है। जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी होती है।
आप भी इस तरह से कुल्फ़ी की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मैंने दो अलग अलग तरह से ही सेट की है और दोनों अलग तरह से ही गार्निश करूँगी। अब ये सेकेंड वाली कुल्फ़ी जो मैंने ग्लास में सेट की थी, इसे हम थोड़ी देर के लिए ऐसे पानी में रखेंगे तो ये जल्दी निकल जाएगी और पीसेस भी इसके आराम से कट होंगे। अब मैं इसे अनमोल्ड करूंगी और राउंड पीसेस में इसे कट कर लूंगी और ऊपर से गार्निश करूंगी कटे हुए ड्राई फ्रूट से और ड्राई रोज पेटल से। आप देख सकते हैं कि सेम ही मिक्सचर था, उसे मैंने अलग तरह से गार्निश किया और प्रेजेंट किया तो वो बिल्कुल डिफरेंट लुक लग रही है दोनों ही आइसक्रीम की, जो मैंने कंटेनर में सेट की थी और एक जो मैंने ग्लास में की थी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।